सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल कपकेक्स। मैं देवाशीष एंड अपन। सो बहुत टाइम बाद हम वापस वीडियो लेके आए हैं, न्यू रिएक्शन के साथ हम लोग वापस आए हैं। सो वेलकम टू द ट्रैवल कपकेक्स। और आगे का देवाशीष बताएंगे। तो वेलकम गाइस। तो ये वीडियो है एक लड़की का, बहुत सालों पहले, आई थिंक बहुत सालों में, कुछ साल पहले वीडियो आया था कुछ। वो क्या बोलते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेन कर रही थी, ऐसा कुछ था, कुछ पैसों के लिए कि भाई ये मेरे, याद है वो, कि इसको पैसे क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, उस भाई को क्यों दिए। हाँ, मतलब अपनी इनोसेंट वाला वीडियो है, नादानी वो बच्ची, वो बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई। तो अगेन कुछ फनी वीडियोज है, महज जदी उनका नाम है शायद। तो चलिए अभी चलते हैं कि कैसा फनी वीडियो होगा, चलो देखते हैं। फातिमा, क्या बैठी हुई हो, बोर हो रही हो, बच्चों से खेलो जाके। वालिदा, ये हसीन मौसम, ये रंगीनियाँ, ये पेड़ पौधे, ये बेहाल नो निहाल हमारे दिल को बा रहे। ओफ अल्लाह, आपके दिल को क्यों नहीं बा रहे, शुक्र कीजिए पीटीएम नहीं हुई, नहीं तो आपको कुछ भी ना भाता। वालिदा, यही मसला है कि हमारे दिल को कोई चीज़ भा नहीं रही आज। क्या कि अगर वालिदा वाओ अलिफ मीम हो जाती। क्या वाओ अलिफ मीम? क्या वालिदैन असातिज़ा मुलाकात। अच्छा, वाओ अलिफ मीम पीटीएम हो जाती, वाओ अलिफ मीम हो जाती तो हमारी जान, हमारे दिल के ऊपर से ये बोझ उठ जाता, हमारे कंधों पे से ये बोझ हट जाता। हाँ अच्छा, बोझ आपके ऊपर से हट जाता। जी, वो कैसे? देखिए वाले, हम सुनते आ रहे हैं आजकल की खबरों में आता है कि कयामत आने वाली, कयामत आने वाली, अजल से सुनते आ रहे हैं, कयामत अजल से ही सुनते हैं। तो सब डरे हुए हैं कि कयामत आ रही है, अब क्या होगा, आ रही है, अगर आ जाए तो सबकी जान छूट जाए। वाह, क्या था, वाओ अलिफ मीम हो जाती तो तुम्हारी जान जान छूट जाती। अच्छा बताओ, टीचर्स ने पेपर्स नहीं दिखाए, कैसे नंबर आ रहे हैं, कुछ तो बताओ। वालिदा, जद्दोजहद तो हमने पूरी की थी। जद्दोजहद तो की थी आपने जी, मगर नताइज कुछ अच्छे नहीं लग रहे। नताइज हम अर्ज करने लगे थे, आप हमें मौका तो दीजिए। मौका आपको दिया कि बाकी जो है मजामीन अभी मराहिल में है ना, बाकी मजामीन का तो पता नहीं अभी चला, लेकिन रियाजी में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत में अच्छे नंबर आए। मैथ नंबर में नहीं, और तुम्हारे अदद रियाजी में अदद कैसे अच्छे आएंगे? वालिदाए मोहतरमा अजीज़ा, रियाजी में रियाजी की स्कूल वालों ने एक नई उस्ताद। अब आप स्कूल बोल गईं, दर्सगाह कहिए, मराहिल में है, मराहिल में। हमारी रियाजी की दर्सगाह में एक नई उस्तानी साहिबा आई है। अच्छा, उन्होंने पेपर बनाया था जी। तो जब मैं अपना पर्चा दे रही थी, जायजा दे रही थी, तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा कि उस्तानी साहिबा, कुछ परेशानी है मेरे दिल में। अच्छा, परेशान हूँ मैं। उन्होंने पूछा वो क्यों? पूछा ही होगा। पूछा जी, शक्ल कैसी बनाई तुमने? तो फिर उन्होंने कहा कि मसाला क्या है? मसाला? तो अर्ज मसाला डोसा क्या है? कि उस्तानी साहिबा, बस मसाला हमारे घर में कुछ मसाला चल रहा है। मसाला डोसा? झूठ बोला तुमने, क्या मसाला चल रहा है घर में, वो क्या सोचेगी? मैं बता, मैंने कहा कि
हमारी नानी का इंतकाल हो गया है। नानी जान को मार दिया फातिमा, वो मरहूमा तो बेचारी, उन्हें 20 साल हो गए फौत हुए वे। देखिए वालिदा, आप ये नहीं कह सकती कि हमने झूठ बोला ना हमने कज़्ब किया। कज़्ब कैसे किया? हाँ, हमने तो सच बोला। इंतकाल तो उनका हो गया है। इंतकाल तो उनका 20 साल पहले भी हुआ ही था ना जी। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है। हाँ। तो इंतकाल तो उनका हो गया। अब तो तुमने कह दिया कि इंतकाल, हमने कह दिया कि उनका इंतकाल हो गया, तो वो समझी अभी हुआ। तो उन बेचारी को तरस आ गया। हाँ। उन्होंने कलम से हमारे जवाबात मिटाए और उन्हें सही करवा दिया। जो कि तुम्हारे बिल्कुल गलत जवाबात थे उन्हें मिटाकर, और उन्होंने सही अपनी तरफ से जवाबात लिख दिए। जी, थोड़ा सा तो हमें भी आता था। हाँ, जितना मतलब ज्यादातर हमें ही आता था। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने तो बस 15-20 सवालों में मदद कर दी। 15-20 सवालात उन्होंने हल किए, तभी आपको ये पुख्ता यकीन है कि रियाजी में आपके अदद शुमार नंबर अच्छे आ जाए जी। और बाकी सब में तो आप नानी साहिबा का बहाना कर नहीं सकी होंगी, सब नानियाँ आपकी वालदा को जा। वालिदा, अब बाकी मजामीन में हम अपनी उस्तानी से कोई बहाना नहीं बना सके, क्योंकि वो सब आपको जानती। हाँ हाँ, तुम बाकी मजामीन में भी नंबर ले लेती, वो तो मुझे जानती हैं, नहीं तो तुम तो कह देती कि तुम तो मुझे ही कुछ करा देती कि हमारी अम्मी की टांग टूट गई, खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं वालिदा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह आपको जिंदगी दे। वालिदा देखिए, नालायक है हम, बेहिस सही है। हाँ, जो माँ को ही कुछ नुकसान पहुँचा। तो बस वालिदा, बस रियाजी में माशाल्लाह से हमारे अच्छे अदद आ जाएंगे, बाकी में हम अगली बार जद्दोजहद। बाकी मैं अगली बार मसाला डोसा खा लूँ। चलिए वालिदा, हम दोनों जरा चहल कदमी, थोड़ा चहल कदमी कर ही लो इससे पहले कि मैं बचा नहीं है। चलिए वालिदा, उठिए उठिए वालिदा। नहीं, मैं कहाँ चल सकती हूँ, मेरा भी बहाना कर रही होगी कि मेरी वालिदा तो चली नहीं। वो हमारे बिरादर बुला रहे हैं। बिरादर? ब्रदर? अच्छा, बिरादर। वालिदा, वालिदा से मेरे को सुल्तान सुलेमान याद है। वालिदा 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 उसमें बहुत बोलते हैं। कैसा लगा वीडियो का? बस अच्छा है, कॉमिक देखो, उर्दू कॉमिक का थोड़ा वो याद ही पर तुमने था ना। बातें चल रही थी दोनों की, मैथ में नंबर कम आए, उल्लू बना दिया। अच्छी, ये बहुत साल पहले आई थी वीडियो, तो पैसों के रिलेटेड कुछ था। मेरे पैसे कहाँ है? मेरे पैसे दो, मेरे इतने साल, मैं छोटी थी तब जो इकट्ठे किए थे पैसे, वो कहाँ गए? मेरे पैसे दो वापस। अच्छा। खर्च हो गए। ठीक है, तो ये था वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, उर्दू यूज़ की इसमें, उर्दू में बोल रही थी वो, तो समझ में तो ऐसे तो नहीं आएगा इतना। बहुत डिटेलिंग स्कूल भी उर्दू में, स्कूल भी वो बोली, अब आपने स्कूल बोल दिया, फिर उसको उर्दू में बोला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और फैला दीजिए पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में वीडियो को, हमारे वीडियो को फैला दीजिए। और ये लड़की और उनकी अम्मी दोनों वही अच्छे ही है, पहले जैसे ही है, वही उनकी अदाएँ थी जो भी वीडियो में, जो पहले बहुत साल पहले देखी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मिलते हैं, बाय बाय।